हाँ जी, तो अगर आप लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते तो इस वीडियो में हम लोग उसकी लेटेस्ट अपडेट डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आप लोग को बताया था कि जो भी कैंडिडेट यूजी के लिए अप्लाई किए हैं या फिर पीजी के लिए, तो पीजी की 5th मैरिट लिस्ट आउट हो गई है। अगर हम लोग अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट की बात करें तो उनकी 7th मैरिट लिस्ट आउट हो गई है। तो अगर हम लोग बात करें तो आप लोग अब वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। कल इन्होंने रिलीज नहीं करी, बट नाइट को इन्होंने रिलीज कर दी थी। तो आप लोग जैसे ही वेबसाइट पे आओगे तो हाँ, यूजी पीजी जिसको भी आपको जिस भी कोर्स की देखनी है, आप लोग जस्ट उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद फिर आपकी न्यू पेज ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ आपको न्यू शो हो जाएगा नीचे में मेरिट लिस्ट, आपको इस पर क्लिक करना। क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद सारे कोर्सेस आ जाएंगे, लाइक BCom, BBA, BCA, जितने भी कोर्सेस इसमें अवेलेबल हैं अंडर ग्रेजुएट के। एंड ऐसे ही सेम प्रोसीजर रहेगी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भी, तो वो भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे, आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आप लोग देख सकते हो जितनी भी कैटेगरी है, SC ST कैटेगरी, जनरल एंड EWS, चारों कैटेगरी की मिल जाएगी। एंड अगर हम लोग बात करें OBC कैटेगरी की, तो उसकी भी आपको जनरल में ही मिलेगी, वहाँ पे शो हो जाएगी। एंड तो अगर आप लोग अभी सेलेक्ट हो गए होंगे तो अभी आपको जस्ट फीस पे कर देनी है। आपको डॉक्यूमेंट वगैरह वो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेंगे। एंड आपको अभी जस्ट फीस पे कर देनी है। फीस पेमेंट की लिंक भी आपकी जनरेट हो जाएगी। एंड उसके बाद आप लोग फीस पेमेंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जब आप लोग फीस पेमेंट वगैरह कर दोगे, उसके बाद आपको वेट करना है अपनी क्लासेस का। तो अगर हम लोग बात करें, आपकी जो क्लासेस होगी वो 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग बिफोर 25 नवंबर यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हो। अगर आप लोग आउटसाइड स्टेशन से हो तो फिर आप लोग आ सकते हो एंड अपनी क्लासेस वगैरह फर्स्ट सेमेस्टर की स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो क्लासेस वगैरह है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी 16 नवंबर से ही। एंड आप लोगों की एडमिशन लेट हुई है तो आप लोग की जो क्लासेस होगी वो 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस भी कर सकते हो। एंड अगर आप लोग अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए, फिर आपको वेट करना है इनकी स्पॉट राउंड का। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो।